हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। ये ब्लॉग फ्रेंड्स हमारे मंदिर का है, जो हमारे पार्क में नया मंदिर बना है। तो आज वहाँ पर हो रहा है शिव परिवार स्थापित। आज सोमवार का दिन है और लास्ट सावन का सोमवार है। तो आज के दिन देखिए भगवान शिव को किस तरह से हम स्थापित करेंगे मंदिर में, वो मैं आज आपको वीडियो में दिखाने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना होता है। देखिए मंदिर में जो मूर्तियां स्थापित होती हैं, उनकी मूर्तियों की स्थापना को कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा। और प्राण प्रतिष्ठा में देखिए सबसे पहले शिव परिवार को देखिए अनाज से अनाज में रखा जाता है, और अनाज को पूरी तरह से उनके ऊपर इस तरह से रखा जाता है कि मूर्तियाँ दिखे ना, पूरे तरीके से उन्हें रखा जाता है अनाज में। देखिए किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ इस वीडियो में। तो मेरे साथ आप लास्ट तक बने रहें और मेरी वीडियो को देखते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको आगे का व्यू दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से, देखिए अभी पूरी तरह से रखी हुई थी तो दिख रही थी, देखिए अब बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। तो इस तरह से अनाज में मूर्तियों को रखा जाता है, और देखिए इस तरह से वस्त्र से उनको ढका जाता है। और देखिए सभी श्रद्धालु हाथ लगाकर इस वस्त्र को उन पर ढक रहे हैं और अपने मन में जो कामना होती है उसे, उस कामना को हम इस तरह से हम करते हैं और अपनी कामना को पूरा करने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। तो देखिए सभी श्रद्धालु लेकर खड़े हुए हैं और सभी श्रद्धालु अपनी अपनी कामना अपने मन में कह रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इन पर ढका जाएगा ये वस्त्र, और देखिए सभी हाथ जोड़ रहे हैं श्रद्धालु। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे श्रद्धालु आज आए हुए हैं सभी इस मंदिर में। इस फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ इस तरह से जब मूर्तियाँ स्थापित होती हैं तो उन क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये देखिए विराट को भी बहुत अच्छा लग रहा है। विराट अभी से देखिए जय जय कर रहा है हैंड जोड़ के। और देखिए फ्रेंड्स, ये इस मंदिर में देखिए इस तरह से स्थापित होंगी ये वाली जो भगवान शिव परिवार की जो मूर्तियाँ हैं वो देखिए यहाँ पर स्थापित होंगी। ये मंदिर अभी पूरी तरह से कम्प्लीट नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब अनाज को हटाया जा रहा है भगवान से और यहाँ से साफ़ किया जा रहा है। ये देखिए सभी अनाज को मूर्तियों से हटाया जा रहा है। तो देखिए विराट भी बहुत आगे बढ़ के हर चीज़ में हिस्सा ले रहा है, अच्छे से कर रहा है। ये देखिए उसको बहुत अच्छा लग रहा है ये चीज़ करनी। देखिए सभी श्रद्धालु देखिए लगे हुए हैं। देखिए इस तरह से इन्होंने अनाज को हटाया था। ये देखिए अब मूर्तियों को निकाला जा रहा है। और फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये पट्टियाँ जो बंधी हुई हैं, ये पट्टियाँ बाद में हटाई जाएंगी जब ये स्थापित हो जाएंगी, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें, और फ्रेंड्स ये जो पट्टियाँ बंधी होती हैं इसमें कौड़ियाँ लगी हुई होती हैं। फिर फ्रेंड्स इसकी परिक्रमा लगाएंगे जब भगवान की ये मूर्तियाँ स्थापित होंगी उससे पहले। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी श्रद्धालु अब इन पर घी चढ़ा रहे हैं। घी से देखिए सभी श्रद्धालु घी को अर्पित कर रहे हैं, बारी बारी से सभी लोग कर रहे हैं। सभी लोग अपने नंबर आने के वेट कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, मैं आगे का व्यू आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पर पंडित जी हैं, वो पुष्प अर्पित कर रहे हैं सभी श्रद्धालुओं को, क्योंकि यहाँ पर अब उन पर वस्त्र चढ़ा दिया गया है भगवान पर घी लगाकर। तो देखिए सभी लोग उन पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। चलिए आगे का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, वस्त्र हटा दिया गया है और देखिए अच्छे से जो घी चढ़ाया गया था उनको अच्छे से साफ़ किया जा रहा है। तो सभी श्रद्धालु साफ़ कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं और फूल पत्तियों से भगवान को ढका गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से उनको
ढका गया। देखिए फ्रेंड्स, अब शिव परिवार का जलाभिषेक किया जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हवन होगा और हवन के होने के बाद फ्रेंड्स भगवान को परिक्रमा के लिए ले जाया जाएगा। उसके बाद इनको इनके स्थान पर स्थापित किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से स्थापित किया जा रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से भगवान को विराजमान किया गया है। ये देखिए, बीच में शिवलिंग है, चारों तरफ पूरा शिव परिवार है। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, शिव शंभू।